ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा से पक रहा है, एकदम लाल लाल हो रहा है। हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं अभी, कलर देखिए ना कितना प्यारा कलर है और बहुत ही बढ़िया बनाया है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में मैं दिखाया था चिकन विंग्स, हम लोग 1 किलो चिकन विंग्स लेके आया है। तो इसको जलाने के लिए अभी इधर आग जलाया है और साथ में हम लोग ये टमाटर भी जला रहे हैं। तो आग को थोड़ा अच्छा से जलाएंगे और आग का ये कोयला का भाप से इसको हम लोग रोस्ट करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो पे बने रहो, फटक से आग को कर लेते हैं। और इसमें हम लोग ऐड किया है लहसुन, बस लहसुन और आपका ये नमक ऐड किया है, थोड़ा देर मैरिनेट किया है, जैसे कि आप लोग ये लहसुन को देख सकते हो, ताकि इसका अच्छा फ्लेवर आ जाए जब रोस्ट करके हो जाए ये। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग आग को पहले जला लेंगे और कोयला निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद प्रोसेस चालू करेंगे। हम लोग उधर आग में दे रहे हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो। तो ये सारा मीट है, आज तो बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइस। अभी से आप लोग लाइक कर दो और जल्दी जल्दी 1K सब्सक्राइबर कर दो। मैं सब्सक्राइबर लोग को ऐसा चिकन विंग्स खिलाऊंगा मैं। ये देखिए वाओ। तो गाइस इसको सबको लगा लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग सारा मीट लगा दिया है, अभी इसको धीरे धीरे पकाएंगे, तब तक आप लोग ऐसे बने रहो। और ये मेरा टमाटर भी पक के रेडी हो चुका है, तो इसको अभी साइड में रखेंगे, इसका चटनी बनाएंगे। वो जो ओरी पत्ता था, वो जो वाइल्ड धनिया पत्ता है, उसका साथ चटनी बनाएंगे इसको। मेरा एक दोस्त ने दिल्ली से मुझे एक सामान ला दिया है, आप लोग लास्ट टाइम भी वीडियो में देखा था होगा उसका इतर, जिसका हम लोग बर्थडे पार्टी मनाने गया था। तो उसने मुझे ये ला दिया है स्टैंड, जिसमें मैं मुकबंग वीडियो बनाने से क्या हुआ कि ये नीचे से मैं ऐसे खोल के ना ऐसा खोल के स्टैंड बना सकता हूँ। नहीं कि क्या था कि मेरे पास पहले स्टैंड नहीं था, तो मैं कुछ पोट वोट कार्टून वर्तून को ऐसे साइड में रखता था। और इसमें लाइट भी है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, तो अभी मज़ा आएगा। तो बहुत बहुत थैंक यू मेरा दोस्त को। और अभी इसमें स्टैंड करके इसको इधर ऐसा स्टैंड करके ऐसा रखेंगे, आप लोग को भी दिखाऊंगा मैं अभी। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा से पक रहा है, एकदम लाल लाल हो रहा है, बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों आज। आप लोग ऐसे ही वीडियो पे बने रहो, आज स्किप मत कीजिए वीडियो। ये देखिए वाओ, सो गुड। अभी मेरा चटनी भी बन के रेडी हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये इसमें टमाटर और वो वाइल्ड धनिया पत्ता है और चिली फ्लेक्स है। और हमारा चिकन भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और अनदर 10 मिनट जैसे रखेंगे, उसके बाद खाएंगे हम लोग। ये देखिए दोस्तों, हमारा चिकन रेडी हो चुका है, हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं अभी। कलर देखिए ना कितना प्यारा कलर है, तो अब इसको निकलेंगे और सीधा खाएंगे। हाँ, इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया है, ये खाली आपका जो कोयले का हीट है उससे पकाया गया है ये। तो अभी हम लोग खाएंगे इसको और आप लोग ऐसे ही वीडियो पे बने रहो। तो ठीक है दोस्तों, अभी ये चिकन विंग्स हम लोग खाएंगे अभी, और यहाँ पे वो चटनी जो बनाया था, नींबू प्याज और नमक है, और ये है काला अफो, हम लोग का लोकल वाइन है ये, ब्लैक वाइन है। तो अभी ठीक है दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। चीयर्स। चीयर्स, चीयर्स, चीयर्स। लो लो ले लो। वाओ, सही कितना अच्छा पकाया, देखो वाओ ब्रो, नाइस ना, आई कुक्ड इट। ये सब प्रिपरेशन मेरा दोस्त ने किया है और बहुत ही बढ़िया बनाया है। नींबू भी ले आओ। वाओ,
आज नाना को बहुत हड्डी खाने को मिलेगा। दिस चटनी इज तो जस्ट वाओ। Top of the world. Wow. Just wow. Even the nimbu. So good, na? I have a little bit. Chamra. Wow. Wow. Chitiana. मस्ते ना हमको ऐसा तुम्हारा साथ बहुत दिन से खाने वाला था दिल चला के आना था दिल्ली। दिल्ली से आया हुआ एक महीना हुआ ही है। कितना दिल्ली बैठा और इतना गर्म है जल्दी मैं नहीं बैठ सकता उधर। दोस्तों यहाँ पे और भी 5 पीस जैसा बच गया है, इसको हम लोग खाना का साथ खाएंगे। और आप लोग ऐसे वीडियो पे बने रहो, अभी खाना वाना निकाल के खाना का साथ खाएंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आप इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, भूलना मत सब्सक्राइब करने के लिए। तो अभी हम लोग चलेंगे खाना खाने के लिए, आप लोग ऐसे ही बने रहो। तो दोस्तों अभी हम लोग खाना खाएंगे, जैसे कि आप प्लेट देख सकते हो, यहाँ पे दाल है, राइस है, चटनी, फिर वही प्याज और नींबू। तो अभी मस्त खाएंगे, आप ले लो पहले। और थोड़ा सा दे दो बस चटनी। यू वांट और बहुत बहुत थैंक यू मेरा दोस्त को, उसने ही स्पॉन्सर किया, उसने ही बनाया
और मोस्टली सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये जो स्टैंड है जहाँ पे भी फ़ोन खड़ा है, क्योंकि लास्ट आप लोग टू वीडियोस में देखा शायद स्टैंड का मतलब बिना लाइक फ़ोन का पोजीशन थोड़ा ऊपर नीचे होता था, है कि नहीं। इवन सी से कि थोड़ा खाना कम दिखाई दे रहा है या फिर मतलब पोजीशन ठीक नहीं हो रहा था, तो उसके लिए मेरा दोस्त ने दिल्ली से ला दिया है। तो बहुत बहुत थैंक यू आपको भी, और जैसे कि आप देख सकते हो कितना अभी प्लेट और हम लोग का शकल भी इतना परफेक्टली निकल रहा है। सो क्रेडिट गोज टू हर। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो मजा आएगा ना। नाइस। चटनी तो बहुत टेस्टी है। मेड बाय मी, चटनी मैंने बनाया है और मीत रोस्ट इसने की है। बहुत जोड़ा क्या डबल काबे जो वाला मान लो मा पूरा माना। मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, ज्यादा जल नहीं खाते तो ओए के चटनी खत्म हो गई क्या है तो इतना चटनी को और थोड़ा बना चाहिए था। एंड गाइस दिस इज माय मिनी स्टूडियो जहाँ पे मैं अभी से मुकबंग वीडियो वो सब यहीं पे बनाऊंगा बैठ के, इसलिए मैंने इधर स्पेशली एक लाइट लगाया एकदम क्लोज अप के लिए, मतलब ताकि अच्छा से शक्ल और खाना पीना निकले, है ना। अच्छा बना है आप। दिल्ली से आने के बाद खाने बनता मौका नहीं मिला, आज मौका मिला तो बना लिया। बहुत बढ़िया बनाया। और कैसा लग रहा है आपको मेरा चैनल में पहली बार आके, ना पहली बार लेकिन इससे मतलब खाना वाना खा के नाइस ही ओनली नाइस ही ओनली
अभी सब्सक्राइबर कम है ना, इसलिए नाइस ही उन्हें बोल रहा है। किडिंग ब्रो, नाइस, अच्छा लग रहा है। जब लाख ऊपर सब्सक्राइबर आ जाएगा, दोस्त पीछे आएगा, ब्रो मेरे को भी वीडियो में ले लो बोलने के लिए, है कि नहीं? मजाक तो मजाक ही है, अच्छा लग रहा है। बहुत दिन बाद अपॉर्चुनिटी मिला है खाने का इसका वीडियो में। सबको नहीं मिलता है। डन इवन में तो रात गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग खा पी के खत्म हो गया है और बहुत ही मज़ा आया आज मेरा दोस्त के साथ। अगर आपको भी ये वीडियो देख के अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करने के लिए ना भूलिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर मैच हो रही है आपकी और मेरी वाइफ, अगर मैच हो रही है आपकी और मेरी वाइफ तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। चलो गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। मैं कैसे सुना है तुम? मैं छोड़ रही हूँ आपकी मेरी वाइफ।